सुबह सुबह की तस्वीर कैसी है, क्योंकि देश का जो आंकड़ा है वो डरा देने वाला है। 1,45,000 उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड कोरोना के केसेस, और उसमें भी सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ से। तो सुबह सुबह क्या सख्ती दिख रही है, क्या लोग पालन करते हुए दिख रहे हैं या फिर लोग हो चुके हैं बेफिक्र? राजीव, अगर इस समय की हम बात करें तो हम इस समय लखनऊ में लोहिया अस्पताल के सामने मौजूद है, जहां पर कोविड और नॉन कोविड दोनों ही मरीजों का इलाज होता है। इस समय एक तस्वीर हम दिखाते हैं सड़क के दूसरी तरफ। यहाँ पर आम दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती थी, लोग अपने जो पेशेंट्स हैं उनकी वजह से, लेकिन आज यहाँ पर उस तरह की भीड़ नहीं। वजह यह है कि अब अधिकतर लोग खुद ही अस्पताल की तरफ आने से बच रहे हैं, जो नॉन कोविड हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनकी जो बीमारी ऐसी है कि वो इलाज के लिए भी इंतज़ार कर सकते हैं, नहीं आ रहे। दूसरी चीज़, अस्पतालों में भी कई जगह पर OPD का जो संचालन है या तो बंद हो गया है कुछ विभागों में या होने वाला है। तो ये वजह है कि अब अस्पतालों के बाहर नॉन कोविड पेशेंट्स की संख्या कम होती नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो जो लोग फिलहाल हमें नज़र आ रहे हैं सामने अस्पताल की तरफ से आते जाते, तो लगभग सभी ने मास्क लगाए हुए हैं। लेकिन ये तस्वीर यहाँ की हम देख रहे हैं शायद इसलिए क्योंकि अस्पताल है, लेकिन अगर हम बात पूरी राजधानी की करें तो अभी भी मुख्य बाजारों में कई जगह ऐसी तस्वीर दिखेगी जहाँ लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए हैं, ऑटो में ज़्यादा लोग बैठे हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी पूरी तरह से अगर कहें कि लोग जागरूक हैं तो ये कहना सही नहीं होगा। और फिलहाल आंकड़ों की अगर बात करें तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश में प्रदेश के अगर हम आंकड़ों को देखें तो हर घंटे 2 लोगों की मौत का आंकड़ा आता है सामने, क्योंकि जो 24 घंटे के आंकड़े जारी हुए उनमें 48 मौतें हुई हैं कोविड पेशेंट्स की पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी हर घंटे 2 कोविड पॉजिटिव की मौत। इसके बाद अगर हम लखनऊ की बात करते हैं तो आप इसमें देखिए 48 में 23 मौतें लखनऊ में, यानी हर घंटे लखनऊ में 1 कोविड पॉजिटिव की जान जा रही है। तो कुल मिलाकर हालात काफ़ी ख़राब है। प्रदेश में 12,787 नए मामले आए हैं महज 24 घंटे के अंदर, और राजधानी लखनऊ में 4,059 मामले 24 घंटे में। अंदाजा लगा लीजिए कितनी तेजी से ये संक्रमण, अंदाजा लगाना मुश्किल है भी नहीं जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल शैलेश, आपके पास लौटेंगे, वाराणसी लिए चलते हैं दर्शकों को। वाराणसी से हमारे सहयोगी नीतीश हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, वाराणसी की स्थिति बताइए कि 1,45,000 माफ कीजिएगा जो केसेस आए हैं, और उत्तर प्रदेश से भी सबसे ज्यादा केसेस आए हैं। वाराणसी से कितने केसेस सामने आए हैं, और यहाँ पर सुबह के वक्त में आज के दिन की बात करें तो किस तरह की स्थिति है? राजीव, स्थिति ठीक नहीं है। जिस तरह से आंकड़ा 1,000 को छूने के लिए आतुर है, 900 के ऊपर जो केसेस आ रहे हैं, 2 की मौतें हो चुकी हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें आम जन लापरवाह है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था अब चुस्ती पर आ चुकी है। इस वक्त हम बाबा विश्वनाथ मंदिर के बाहर खड़े हैं, छत्ता द्वार के बाहर खड़े हैं, और आज से यहाँ नई व्यवस्था लागू हो गई है। आज से बाबा विश्वनाथ के मंदिर में गर्भगृह का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आम जन गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आप जो भी अगर श्रद्धालु हैं जो यहां दर्शन करने आ रहे हैं वो बाबा का झांकी दर्शन करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो मंगला आरती का टिकट है उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है, और जो भी श्रद्धालु अंदर जाएंगे वो मास्क के साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करेंगे। जो श्रद्धालु पहले जाते थे वो गर्भगृह तक जाते थे, और हम जानेंगे कुछ श्रद्धालुओं से, आप लोग अंदर से दर्शन करके आए हैं, व्यवस्था कैसी थी? आज से नया नियम लागू हुआ? जी, नया नियम लागू है, अंदर नहीं जाने दिया गया हम लोग को, बाहर से ही दर्शन किए और आ रहे हैं। आके दर्शन किया? जी जी। कोरोना के बचाव को लेकर ये व्यवस्था कैसी? जी, ठीक व्यवस्था की है। ठीक है, व्यवस्था अच्छा है, इस समय पहले से बहुत अच्छा व्यवस्था है। आपसे जानना चाहेंगे कोविड इंतजामों की बात अगर करें, आप लोग अंदर जा रहे होंगे तो कितनी सुरक्षा बरत रहे थे, सुरक्षा कर्मी थे? सुरक्षा में COVID-19 को देखते हुए पालन की बहुत अच्छे से तरीके से कर रहे हैं, दर्शन भी सही से करवा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस हम आपको दिखाना चाहेंगे, हर वो सुरक्षाकर्मी जो सुरक्षा में लगे हुए हैं वो स्वयं भी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, और खुद भी सुरक्षित हैं, लोगों को भी सुरक्षित ये लोग रख रहे हैं, और मंदिर के नियमों को अब सख्त कर दिया गया है। अब जो श्रद्धालु हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क अनिवार्य है, और इसके बाद अगर बात करें जब मंदिर के गर्भगृह के पास आप पहुंचेंगे तो वहां गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ झांकी दर्शन करके आप वापस आएंगे। गर्भगृह में सिर्फ मंदिर के मुख्य पुजारी का ही प्रवेश होगा। नीतीश, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, और आपने श्रद्धालुओं से बात भी की कि बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए बहुत बड़ा ये निर्णय लिया गया है, गर्भगृह में किसी की इजाजत नहीं दी गई है। आप हमारे साथ बने रहे, अभी पंकज भी हमारे साथ जुड़े हुए और रवि भी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि पहाड़ पर कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है, और कोरोना का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ रहा है वो डरा देने वाला है। बात हम आंकड़ों की ही करें तो एक दिन में 748 नए केसेस सामने आए,
5 मरीजों की मौत भी हुई इस वायरस की वजह से। और इस महामारी का प्रकोप सबसे ज्यादा राजधानी देहरादून और धर्मनगरी हरिद्वार में है। तमाम एहतियात और बचाव के इंतजाम भी बेअसर दिख रहे हैं, उसके बाद भी ये संक्रमण नहीं रुक रहा है। और किस जिले से कितने केसेस आए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे ज्यादा देहरादून से, फिर हरिद्वार से, फिर उधम सिंह नगर और नैनीताल से सबसे ज्यादा केसेस आए, 748। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हरिद्वार से पंकज राणा और देहरादून से रवि कैंतूरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। तो रब सबसे पहले राजधानी का ही रुख कर लेते हैं। रवि, आपके पास मैं आना चाहूंगा। रवि, रियायतें और बंदिशें क्या क्या बढ़ते केसेस को देखते हुए? जी देखिए राजू, बहुत महत्वपूर्ण फैसले ले लिए गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो मैदान से लेकर पहाड़ तक कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव जिला है वो देहरादून है। तो देहरादून के नगर निगम क्षेत्र को रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू इसमें लगा दिया गया है। और इसके साथ ही हम बात करें तो हरिद्वार का पूरा जिला देहरादून में कालसी और चक्राता क्षेत्र को छोड़कर, इसके साथ ही नैनीताल नगर पालिका और हल्द्वानी नगर निगम, इन क्षेत्रों में भी 1 से 12 तक के स्कूलों को 30 अप्रैल तक पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। हालांकि जो 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएँ हैं, बोर्ड की परीक्षाएं हैं, वो सुचारू रहेंगी। तो ऐसे में ये बड़ा निर्णय लिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये जिले बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं और यहाँ पर कोरोना का जो संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त अगर बात करूँ तो मैं राजधानी देहरादून में हूँ और दून अस्पताल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस अस्पताल की अगर बात की जाए तो यहाँ के खुद चिकित्सा अधीक्षक कोरोना पॉजिटिव हैं, कुछ डॉक्टर्स की बात की जाए तो वो लोग भी यहाँ पर जो है कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ऐसे में जो संक्रमण है उसका खतरा काफ़ी है और उसी खतरे को देखते हुए तमाम एहतियात जरूर बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अगर आप अस्पतालों में बात करेंगे तो भले ही लोग यहाँ पर मास्क पहनकर जरूर आ रहे हों, लेकिन ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि जो अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग है वो कहीं पर मेंटेन नहीं हो पा रही है और बहुत ज़्यादा भीड़ है। हालांकि मामले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं राजीव, लेकिन आप देखेंगे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देहरादून का दून अस्पताल, और ऐसे में देखिए लोगों का कितना जमावड़ा है अस्पतालों में और लगातार जो भीड़ है वो भी अस्पतालों में बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो गर्मियों का सीज़न भी शुरू हुआ और ऐसे में तमाम और बीमारियाँ भी हैं और उसी को देखते हुए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो अस्पतालों में मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि अगर पहले की हम बात करें तो जब कोरोना के केसेस यहाँ पर शुरुआत में आए थे तो उस वक्त जो है इन सब तमाम चीज़ों पर ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे लोग बिल्कुल चिपक कर जो है लाइनों में खड़े हैं और ऐसे में अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। ऐसे में एक व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित होता है तो चिंताजनक स्थिति बन सकती है। ये अस्पतालों के हालात हैं जहाँ पर ये पूरी तरीके से ऐसी व्यवस्थाओं को बनाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन ये आम लोगों की गलतियाँ नहीं है बल्कि प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो उनके कोई ऐसे लोग यहाँ पर नहीं है जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े किए जा सके। रवि, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी सोचना होगा, प्रशासन की तो जिम्मेदारी है ही, ये लोगों को भी सोचना होगा कि हर चीज के लिए प्रशासन आपके साथ नहीं हो सकता है, प्रशासन आपको गाइड नहीं कर सकता, आपको खुद भी समझना चाहिए कि आपको एक उचित दूरी पर खड़े होना है।